मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, पर खरगोन जिले की 184 विधानसभा क्षेत्र कसरावद में पूर्व विधायक आत्माराम पटेल का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं ग्वालियर से सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने भी 1000 वाहनों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में समंदर पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कसरावद विधानसभा क्षेत्र 184 में बीजेपी के उम्मीदवार आत्माराम पटेल का नाम घोषित करने के एक दिन बाद ही बगावती तेवर दिखने लगे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव के गृह ग्राम बोराव पहुंचकर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कसरावद विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार आत्माराम पटेल का नाम पहली सूची में आने के बाद अब बगावत के तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट है। जिला पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र राजेश तंवर, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल, पूर्व विधायक गजेंद्र पाटीदार, जितेंद्र आर्य पाटीदार, प्रकाश पाटीदार, राजेश बड़ोले, राजीव पटेल, दशरथ सिंह पटेल एवं अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटकर पूर्व विधायक आत्माराम पटेल को दो बार हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री कसरावद विधायक सचिन यादव ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में एक भारी आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और यही कारण है कि लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। लोगों ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नुमाइंदों को घर भेजने के लिए, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना प्रदेश का और अपना भविष्य देख रहे हैं, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है छोड़ करके कांग्रेस में। बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, और जैसे जैसे समय निकट आएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामें। कसरावद तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।